नमस्कार दर्शक बंधु, लाटेस्ट जॉब्स ओडिशा को आपण मानक स्वागत। आज जॉब अपडेट रोचे इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। दर्शक बंधु, जदि आपण माने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक रे नियुक्ति टीए नबागो चाहौचंती ताहाले वीडियोटी सह लास्ट पर्यंत जड़ी रहंतु। दर्शक बंधु, आपण माने जदि प्लस 3 टेक करछंती जे कोन से स्ट्रीम रे ताहाले आपण माने एही पदवी पे आवेदन करि परबे। मासिक 30,000 टंकरे जदि आपण माने जॉब टी नेबाकु चाहचोंदि ताहाले आसंत जानबा आपणकर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन होइथिबा दरकार, आपणक शिक्षागत योग्यता कोन होइथिबा दरकार, वयस सीमा कोन, दरमा केते मिलिबो, इम्पोर्टेंट नोट कोन रहैछि, कोन कोन इम्पोर्टेंट डेट रहैछि, कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक हबो जदि आपण माने एहाकु ऑनलाइन आवेदन करछंदि, सिलेक्शन प्रोसेस किपर रहैछि, किपर आपण माने एहाकु ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे, ए सबुर ऑल डिटेल्स जानबा। दर्शक बंधु, मुझ वर्तमान आपण मानक यार वेब पेज को नहीं आदि आपण मैंने पेज में पहुँचा चाहते तेल आपण मैंने देखिए वीडियो रो प्रथम लिंक रे क्लिक करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा ताहले आपण मैंने पेज में पहुँच पारे। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB रिक्वायरमेंट 2024 रो डिटेल्स रही संगठक नाम हूँ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक बा IPPB। विज्ञप्ति प्रकाश करछंती टाइप ऑफ जॉब आपणकर परमानेंट टाइप रो जॉब रहइबो। कैटेगरी रहउची पोस्टल जॉब। क्यों पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज होइछि देन देखंतु एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज होइछि। एप्लीकेशन मोड आपणकर ऑनलाइन रे रहउछि। आपण माने चाहे निज निज मोबाइल रो कंप्यूटर रो किबा कोनो कॉम्पिटिटिव पॉइंट रो यहाँ आवेदन करि परबे। क्यों माने यहाँ आवेदन करि परबे देखंतु आम भारत समस्त कैंडिडेट यहाँ आवेदन करि परबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भारत जेकोनसी बैंक पोस्ट ऑफिस रे रहइबो। लास्ट डेट रहउछि 5 April 2024 पर्यंत यहाँ पुरुष किंवा महिला प्रार्थी एथिपाई आवेदन करें। दर्शक बंधु, ये पृष्ठ देखी निपर शिक्षागत योग्यता कम होगा आवश्यक। दर्शक बंधु, आपण मैंने जेकोसी रेकग्नइजड यूनिवर्सीटी जदि प्लस 3 टीए करेकोसी स्ट्रीम आपड़ जब बैचलर डिग्री हासिल करहाती भाव में यह पदवीपाई आवेदन करेंगे। नोटिफिकेशन अनुसार आपण मानकर सर्वनिम्न बयस 21 वर्ष को एवं सर्वाधिक बयस 45 वर्ष रहा आवश्यक। आपण मैंने जदि साधारण केस्ट बिलंग करते जदि आपण मैंने ओबीसी स्टूडेंट ताहले 3 वर्ष बयस सीमा आपण मानी रिलैक्सेशन कर दि जाऊँगी जहाँफल आपण मैंने 48 वर्ष पर्यंत फर्म आप्लाय करेंगे। जदि आपण मैंने ST SC PWD किंवा ex-service मैंने होता है 50 वर्ष पर्यंत फर्म आप्लाय करेंगे। मासिक दरमा कहिबाक गले आपण मानकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पई 30,000 टका मासिक दरमा रहउछि। सिलेक्शन प्रोसेस देखनाबा आपण मानक पई किपर सिलेक्शन प्रोसेस रखा जायछि। दर्शक बंधु, आपण मानक पई किछि भी एग्जाम रखा जायनी, रिटन एग्जाम रो व्यवस्था नाही, केवल मार्क बेसिस रे ग्रेजुएशन लेवल रो मार्क बेसिस रे आपण मानक सिलेक्शन दिया जिवो। ग्रुप डिस्कशन रखा जायछि सेकंड रे, थर्ड रे आपणकर पर्सनल इंटरव्यू नै जिवो। एति हेले आपण माने सिलेक्शन हो पारे। दर्शक बंधु, ए प्रसार देखी आपणेसन फी कौन रोचे। फर्स्ट आपण मैंने जब जनरल कैंडिडेट होती है 750 टका आप्लिकेसन फी रही। EWS 750 टका, ओबीसी कैंडिडेट 750 टका आप्लिकेसन फी रही। मैंने जनरल EWS ओबीसी कैंडिडेट मानी 750 टका लगे फी रही। जदि आपने ESM कैंडिडेट होता है 150 टका आप्लिकेसन फी र। यह व्यतीत आपण मैंने जदि ST किंवा SC होता कि फीमेल होता महिला होता है आपण मानी 150 टका आप्लिकेसन फी रही। दर्शक बंधु, आपण मैंने जानले आपको ऑनलाइन रे पेमेंट करने को ऑनलाइन रे अप्लाई करने को हम। जदि आपण मैंने ऑनलाइन रे अप्लाई करते आपणकर कौन कौन डॉक्यूमेंट रो आवश्यकता रही कौन कौन डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे देखो। फर्स्ट आपणकर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेवल र, सेकेंड रोच आपणकर जन्म प्रमाणपत्र, थर्ड रोच कलर पासपोर्ट साइज रो फोटो, फोर्थ रोच जदि किसी एक्सपीरियंस अच्छे ताहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दर्शक बंधु, ये 4 डॉक्यूमेंट को रेडी करूँ यहाँ ऑनलाइन रे आवेदन करूँ। इम्पोर्टेंट डेट रे कौन देखी नि। दर्शक बंधु, आपण मैंने जदि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB रिक्वायरमेंट 2024 रो इम्पोर्टेंट डेट विषय जानवा चाहते यार अप्लाई स्टार्ट हो सारे 15 March 2024 रु आपणकर लास्ट डेट रोचे 5 April 2024। मन रखु आसंता April 5 तारिख पर्यंत यार आप्लिकेसन कर समय सीमा रोचे से मध्य आपण मैंने ऑनलाइन रे आवेदन करनी। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB
रिक्वायरमेंट 2024 रो इंपोर्टेंट नोट कौन रही देखो दर्शक बंधु आपण मैंने जितेबाला फॉर्म को फिलअप करते केयरफुली फिलअप करूँ जेपरी फास्ट डाटा न दिखते कि इनकम्प्लीट आप्लिकेसन न दिखते एवं निर्धारित समय पूर्व आपण मानकर आप्लिकेसन जपर अथरीटी पाखे पहुँची जाए तार व्यवस्था करूँ नचे आपण दरखास्त को अथरीटी द्वारा रिजेक्ट कर दीजिए। दर्शक बंधु आपण मैंने जानले आपण मैंने ऑनलाइन आवेदन करेंगे तेल देखो आपण मैंने जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे फर्स्ट आपण मैंने विजिट करूँ गूगल को एवं सेठारे यार ऑफिशियल वेबसाइट को लिखि सर्च करूँ नचे आपण देखुवा भिडर तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार समस्त लिंक प्रोवाइड कर दि जाए आपण मान सुविधापी आपड़ से क्लिक कले आप नोटिफिकेशन पहुँची पारे एवं पीडीएफ लिंक लग जाए अप्लाई करि परिबे। दर्शक बंधु आपण माने अप्लाई करिया पूर्व नोटिफिकेशन को भल भाव पढ़ु। दर्शक बंधु आपण माने को जो सब डॉक्यूमेंट मगा जाइछि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब को एंट्री करंतु। फोर्थ रे आपण मानको फी पेमेंट करिया कथा कह जाइछि आपण माने अंकर चार्ज को ऑनलाइन रे पेमेंट करंतु। आपण माने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग सहाय्य रे ऑनलाइन रे पेमेंट करि परबे। फिफ्थ रे रहूछि अपलोड करंतु आपणकर पासपोर्ट साइज रो फोटो एवं सिग्नेचर को। सिक्स्थ रे जेतेले रजिस्टरिंग करछंती कर सारला परे एहार गोटे हार्ड कॉपी नै नियंतु जहा फल रे ऑफलाइन शो पई सुविधा हबो। दर्शक बंधु सबमिट बटन रे क्लिक करिया पूर्व आपण माने भल भाव चेक करनी आपण मानकर दरखास्त को देन सबमिट बटन रे क्लिक करंतु एवं आपण मानकर तो एग्जाम हबार नाही आपणकर इंटरव्यू डेट को वेट करंतु। दर्शक बंधु आशा करछि वीडियो टिरु आपण मानको बहुत उपकारी तथ्य मिलि पारथिबो जदि किछि भी उपकार पाइ पारछंती वीडियो टिकु गोटे लाइक कर दिंतु सांग सहित जथेष परिमाण में सेयर कर दिंतु। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल टाक सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस कर अल्रे सेट कर दिंतु जहाद्वारा प्रतिदिन प्रकाश पाता सरकारी निजुक्ति एवं सरकारी योजना विषय आपण मैंने प्रथम सूचना पाई। दर्शक बंधु भिडटी को एपर्तंत देखि आपण मानक अशेष धन्यवाद। पुणी देखा लाटेस्ट जब्स ओडार नुआ एक फ्रेश निजुक्ति सूचना सह नुआ एक अध्याय से पर्यंत जय जगन्नाथ।